हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टेशन टारगेट विजन में। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस मॉडल पेपर सेट नंबर 4 करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेडोन और पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा ए, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा बी, जतरा भगत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1916 में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 1916 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अजीमाबाद, जो कि पटना का प्राचीन नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 1960 के दशक से। भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है, तो 1960 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, किन्स ने। क्वेश्चन नंबर 9, गदर का प्रकाशन किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 10, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, मराठी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, मराठी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जल ऊर्जा, जो कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो जल ऊर्जा की संसाधन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का वो जगह डी, इनमें से सब, यानी कि पशुओं की चराई नियंत्रण, समोच्च जुताई एवं खेतों में ह्यूमस डालना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन जो है भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 17, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन औद्योगिक अवशेष का कारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा ऊर्जा, जो कि इनमें से कौन औद्योगिक अवशेष का कारक नहीं, तो ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ऊंचा वज प्रदर्शन के लिए हैसियत विधि का विकास किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, रीटर ने। क्वेश्चन नंबर 21, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 33%। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा डी, ग्राम सभा।
यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, आधे हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 26, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर 1972 में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, राजनीतिक सुधारों का कार्य इसमें से कौन नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का वो हो जाएगा ए, चिकित्सक, जो कि राजनीतिक सुधारों का कार्य इसमें से कौन नहीं कर सकते हैं? तो चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा बी, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस देश में साम्यवादी व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो जगह सी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 1951 से 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है उत्तर प्रदेश का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, SEBI। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मॉल सेवा, जो कि गैर सरकारी है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ए, जनेवा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ज्ञान में कमी। क्वेश्चन नंबर 39, महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में आग से जलने पर प्राथमिक उपचार में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो जगह 1920, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 1935। क्वेश्चन नंबर 43, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर 1861 में, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 44, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 45, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 45 का वो जगह बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7%, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 7%। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का वो हो जाएगा ए, 50%। क्वेश्चन नंबर 48, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश पे पड़ी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का वो हो जाएगा डी, अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिहार, जो कि पिछड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 50, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है
वर्षा की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।